गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सहमति दे दी है दोस्तों, बेरोजगारों को 3500 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे बेरोजगारों के लिए, क्योंकि दोस्तों 3500 रुपये का अमाउंट बहुत अच्छा खासा होता है, जिससे हमारे युवा जो है फॉर्म भर सकते हैं और अपनी ज़रूरत यानी कि पढ़ाई का सामान भी यहाँ पे आसानी से 3500 रुपये महीना में परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं किन बेरोजगारों को यहाँ पे भत्ता मिलने वाला है और यहाँ पे जो है क्या एलिजिबिलिटी है इस भत्ते को पाने के लिए और कैसे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, सबसे पहले आपके अपने चैनल कॉम्पिटिशन न्यूज़ के माध्यम से आपको दी जाती है। तो दोस्तों, ये ट्वीट में पढ़ देता हूँ मुख्यमंत्री जी का, बेरोजगार युवाओं को भत्ते के रूप में 600 रुपये देने की शुरुआत भी मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने ही की थी, जिसे मैनिफेस्टो में बढ़ाकर हमने 3500 किया था। अब 1 मार्च से लड़कों को 3000 और लड़कियों को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियों ने भी एक तरीके से बेरोजगारी भत्ते में भी यहाँ पे बाजी मार ली है, लड़कों से 500 रुपये ज़्यादा यहाँ पे लड़कियों को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट, और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान ग्रेजुएट बेरोजगारों को मुख्यमंत्री युवा योजना का मिलेगा लाभ, हर महीने मिलेंगे 3500 रुपये। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे की फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और राजस्थान के ग्रेजुएट यानी कि दोस्तों ग्रेजुएट युवाओं को यहाँ पे 3500 रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब राजस्थान में 3500 रुपये महीना मिल सकते हैं तो अपने यूपी में क्यों नहीं मिल सकते? तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि जो लोग सीटेट या टीईटी पास हैं उनको लगभग 5000 रुपये महीने दिए जाएं, जिससे यहाँ पे हमारे भी युवा जो हैं आसानी से अपना घर का खर्च चला सकें और जितने फॉर्म हैं तो एटलीस्ट वो तो भर सकें, उसके आगे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े उन्हें एटलीस्ट अपने फॉर्म के लिए और अपनी कॉपी किताबों के लिए। तो मैं आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर जाकर ट्वीट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट पर ट्वीट करेंगे कि राजस्थान में अगर ये हो सकता है तो दोस्तों यूपी में क्यों नहीं हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप मुझे इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या यूपी में भी ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप लोग भी मेरे साथ हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताइएगा कि राजस्थान में अगर ऐसा हो सकता है तो अपने यूपी में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों युवा बहुत ही ज़्यादा परेशान है आजकल, अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, भर्ती कोई भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो जब तक उनकी सरकारी नौकरी या कोई नौकरी नहीं मिलती है तो जब तक उन्हें कम से कम 3500 या 3000 रुपये तो दिए जाएँ, जिससे वे अपने घर का खर्च चला सकें। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे अपनी पूरी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।